मैं रोशन अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्न पर फोकस डालने जा रहा हूं। हालांकि ये मैं जानता हूं कि ये प्रश्न आपके नज़र से कभी ना कभी अवश्य गुजरा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप मेरे नज़रिए से देखिए। सवाल कहता है, एक कपड़ा व्यापारी ने 80 मीटर सिल्क खरीदा। कितना खरीदा? 80 मीटर। और दर क्या था? 55 रुपया प्रति मीटर। इसके बाद करना क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए तो क्वेश्चन कहता है इसका 3/4 भाग बेचना है। इसका मतलब जितना सामान आप खरीद के लाए एक बार में वो सारा नहीं बिक रहा है, सामान टुकड़ा टुकड़ा में बिक रहा है। और सवाल क्या कहता है? 3/4 भाग को लाभ लेना है क्या? 6%। लेकिन कहता है शेष भाग को कितने? सवाल ये है, यहां एकाग्र होइए। शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ से बेचे ताकि कुल माल पर यानी कुल सौदे पर जितना आप खरीद के लाए थे आपको 10% का लाभ हो। आइए इसका हल करना शुरू करते हैं। आपका क्रय मूल्य आपके सामने है, आपका कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपने 80 मीटर सिल्क खरीदा और रेट क्या था? 55। आप 80 मीटर खरीद रहे हैं, 1 मीटर का दाम कितना है? 55 रुपया। तो 80 मीटर खरीदने में कितना पैसा लगेगा ये आपको नहीं पता चलेगा? चलेगा। 80 मीटर खरीदेंगे 55 के दर से तो कुल पैसा लगेगा इतना गुना इतना, और गुना करके हम लोग लाएंगे तो आएगा 4400 रुपया। यानी ये 4400 क्या हुआ? ये 4400 हुआ वो पूंजी जो आपने लगाया, यानी उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जितना पैसा आप लगाते हैं खरीदने के लिए उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। अब क्वेश्चन कहता है इसका 3/4 भाग बेचना है, लेकिन ऐसे सवाल में आपका उद्देश्य क्या है? अंत में कितना लाभ हो, शुरू में क्या है उसको नहीं देखना है। अंततः क्या लाभ हो, अंततः 10% का लाभ हो, तो इसी बात पर फोकस करना है। आप अंत में क्या लाभ लेने जा रहे हैं, टोटल विक्रय मूल्य पर क्या लाभ होने जा रहा है उसको देखिए। आपका क्रय मूल्य ये है और कुल लाभ आपका कितना होगा? कुल लाभ आपका इतना होगा 4400 का 10%, यानी कितना? 440। ये 440 रुपया आपका कुल लाभ होगा। 4400 रुपया में आप खरीदे हैं, लाभ कितना ले रहे हैं? 440। 4400 और 440 इसको जोड़ देंगे तो क्या यही हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा क्या? हाँ, आपका कुल विक्रय मूल्य इतना होगा। आपका कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 4400 और 440 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4840 रुपया। यानी एक टारगेट मिल गया क्या कि जब सारा सामान बिक जाएगा, सारा सौदा बिक जाएगा तो मेरे पॉकेट में कितना रुपया हो? 4840। 4840 अगर हमको मिल जाता है तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है, क्योंकि 4840 में हमको 10% का लाभ हो रहा है। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन कहता है बेचना है, लेकिन क्या? 3/4। तो आप 3/4 बेचिए। तो सबसे पहले 3/4 भाग का क्रय मूल्य क्या होगा वो निकालिए। आप जिस भाग को आप बेचने जा रहे हैं उसका कीमत तो आपको पता होना चाहिए। तो 3/4 भाग का कीमत कितना? 3/4। 4400 का 3/4 नहीं, यानी क्या? 3300। बात समझ में आया क्या? आपने टोटल सामान कितने में खरीदा था? 4400 में। आप बेच कितना रहे हैं?
आप बेच रहे हैं तीन चौथाई, तो 4400 का तीन चौथाई कितना 3300, और 3300 को ही आप बेच रहे हैं। अब देखिए 3/4 भाग का विक्रय मूल, 3/4 भाग का विक्रय मूल कितना होगा 3300 का 106%। ये समझ में आया क्या? 3300 आपका क्रय मूल था, लाभ कितना ले रहे हैं 6%, तो आपका विक्रय मूल 106% होगा क्या? 100% क्रय मूल 6% लाभ, तो विक्रय मूल कितना होगा 106%, तो आपका विक्रय मूल इसका हुआ 106%। इसको कैलकुलेट करके हम लोग लिखेंगे तो हमारा कुल धन जो अभी तक हमको प्राप्त हुआ है वो मिल जाएगा। आपका 3/4 भाग का विक्रय मूल कितना आया, तो हम लोग लिखते हैं इसको कैलकुलेट करके 33 × 106 करेंगे हम लोग, तो आएगा 3498 रुपये। 3498 रुपये आपके पॉकेट में आ गया ना, लेकिन आपको चाहिए कितना 4840, क्योंकि 4840 मिलेगा तब तो आपको 10% लाभ का कंडीशन फुलफिल होगा। तो 3498 चाहिए, तो शेष और कहाँ से होगा, तो शेष भाग और बचा हुआ है, तो आइए शेष भाग का क्रय मूल्य कितना, टोटल क्रय मूल्य कितना था 4400, और उसमें हम लोग घटा देंगे 3300। 3300 क्यों घटा देंगे, क्योंकि 4400 का माल हमारे पास था, 3300 का माल हमने बेच दिया, बचा कितना 1100 रुपया। यानी अब आपके पास जो शेष भाग है उसका क्रय मूल्य कितना है 1100। शेष भाग का विक्रय मूल्य, शेष भाग का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, आपको कुल मिलाकर कितना पैसा चाहिए 4840, और इतना पैसा आपके पास आ गया है, तो इसमें इसको इसमें घटा लेंगे तो जो बचेगा उतना ही पैसा हमको और चाहिए नहीं। अरे 5000 रुपया हमको कमाना था, 4000 रुपया कमा लिए, तो कितना और कमाना है, तो आप कहिएगा 5000 - 4000। तो उसी तरह इतना रुपया हमको चाहिए था और इतना हमको मिल गया, तो इतना में से इतना घटा लेंगे तो जो बचेगा उतना और चाहिए ना हमको, हाँ उतना और चाहिए। तो शेष भाग का विक्रय मूल्य कितना होगा 4840, और माइनस क्या 3498, और इसको घटाएंगे तो ये आएगा 1342। अब आप देखिए जो शेष भाग का क्रय मूल्य है वो कितना है 1100, उसी शेष भाग का विक्रय मूल्य कितना है 1342। कहने का मतलब आपके पास क्रय मूल्य जो है वो क्या है 1100, विक्रय मूल्य जो है वो क्या है 1342। यानी 1100 का सामान आप कितने में बेचने जा रहे हैं 1342 में, तो लाभ नहीं हो रहा है क्या? हाँ, तो लिखिए शेष भाग पर लाभ, शेष भाग पर लाभ क्या होगा, तो 1342 माइनस क्या 1100, और इसको घटाएंगे तो ये आएगा 242। यानी शेष भाग पर आप लाभ क्या लेने जा रहे हैं, तो 242। अब 242 लाभ लेने जा रहे हैं, और क्वेश्चन पूछता है प्रतिशत लाभ। देखिए लाभ आप निकाल चुके हैं, तो प्रतिशत लाभ निकालना क्या बड़ी बात है, आप लाभ कितना ले रहे हैं 242 गुना 100 और बटे क्रय मूल्य क्या 1100, ये कट जाएगा 22 बार में 22%, यानी आपका आंसर क्या है 22%। यानी शेष भाग को आप कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने जा रहे हैं, तो 22%, ये आपका आंसर हुआ। एक बार और अगर समझना चाहें तो थोड़ा सा आइए फिर से हम लोग गुजर जाते हैं। क्वेश्चन बोला कि हमने क्या किया, पहले खरीदा क्या 80 मीटर 55 के दर से, तो हमारा क्रय मूल्य इतना होगा, कोई बड़ा बात नहीं, 4400 हमारा क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन कहता है अंततः कुल लाभ क्या होना चाहिए, तो 10%, तो 10% लाभ होता है 440, तो कुल विक्रय मूल्य भी पता चल गया 440 उसमें जोड़ देंगे, तो कुल इतने में सामान हमको बेचना है। अब क्वेश्चन कहता है एक ही बार में सारा सामान नहीं बिकता है, बिकता है कैसे, टुकड़ा टुकड़ा करके। पहले हम तीन चौथाई बेच रहे हैं, तो तीन चौथाई भाग का क्रय मूल्य कितना 3300, तीन चौथाई भाग का विक्रय मूल्य कितना
तो हम निकाले हैं 3498, शेष भाग का क्रयमूल्य कितना 1100, क्योंकि 4400 का सामान आप खरीदे थे, 3300 का सामान आप बेच रहे हैं, तो बचा कितने का सामान 1100। शेष भाग का विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, आपको टोटल क्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य क्या चाहिए 4840, और आपको मिला अभी तक कितना 3498, तो घटा लीजिए यानी 1342 आपको और चाहिए, 1342 चाहिए और उसका क्रय मूल्य कितना है 1100, तो लाभ कितना होगा 242, और प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, यही आपका प्रतिशत लाभ। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कुछ कहना चाहूँगा, सवाल जो अक्सर आप देखते हैं, सॉल्यूशन भी आप करते हैं, सॉल्यूशन आपके सामने है, समझ भी गए हैं, सवाल तो आप बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन सवाल के साथ मजाक करना मैं आज आपको सिखाऊंगा, जरा सा देखा जाए। तीन बटा चार भाग का क्या मतलब होता है, 3/4 भाग का मतलब होता है 4 में से 3 भाग। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा 3/4 यानी 4 में से 3, तो आप 4 लड्डू बनाएंगे, और हर जगह 10% का लाभ हो, यानी यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यानी क्या 40%। और आगे आपका सवाल कहता है 3/4 भाग यानी 4 में से 3 भाग में आपको क्या मिला 6, 6 और 6, तो अभी तक आपको कितना मिला 18, तो 18 इसमें घटाइएगा तो कितना बचेगा 22%। ये 22% आपको कहाँ से चाहिए, ये चौथे लड्डू से यानी शेष भाग से, शेष भाग यही बचा हुआ है, तो आपको शेष भाग में कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए 22%। बात समझ में आया क्या, हालांकि आप समझ रहे होंगे क्या कि ये तरीका यहाँ काम आ गया, अगले क्वेश्चन में नहीं आए, शायद मैं आपको इसका एक और नमूना दिखाता हूँ, और आगे देखिए जरा सा। सवाल कहता है एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 75 पैसा प्रति मीटर की दर से खरीदा और इसका 60% भाग, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था 3/4 भाग, और यहाँ क्या है 60% भाग। 60% हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं 3/5 भाग। कैसे 60% को आप ये नहीं लिखिएगा, और ये जब लिखिएगा तो 3/5 भाग में भी दिक्कत नहीं, और 3/5 भाग का क्या मतलब होता है तो आप कहिएगा 60%, और 60% का क्या मतलब होता है तो 3/5 भाग। मतलब हम कुछ और जानना चाह रहे हैं, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि 3/5 का मतलब होता है 5 में से 3 भाग, ये ना 3/5 का मतलब क्या 5 टुकड़ा में से 3 टुकड़ा। तो जो ही यहां 5 आएगा तो हम आपको 5 लड्डू दिखाएंगे। क्वेश्चन कहता है पूरे सौदे पर उसे 12% का लाभ हो, यानी हर जगह लाभ हो 12, 12, 12, 12, 12, 12, यानी आपको अभी तक लाभ क्या मिला 60%, यानी आपका टारगेट क्या है 60%। और क्वेश्चन कहता है आपने 3/5 भाग को बेचा कितने में 8% लाभ पर, यानी आपको 3 भाग में क्या मिला 8, 8, 8, आपको चाहिए 60, मिला क्या 24। इसका मतलब है 24 अगर घटा लें तो क्या बचता है 36%, 36% आपको और चाहिए कहाँ से, तो 2 भाग से, 2 लड्डू और आपके पास है ना, 5 लड्डू था ना, कितना बेचे आप 3 लड्डू, तो 2 लड्डू और होगा ना, तो 2 लड्डू में आपको कितना परसेंट चाहिए 36%, तो 1 लड्डू में कितना पड़ा 18%, यही आपका आंसर है। और कहाँ गया आपका 500 मीटर तार, और कहाँ गया 75 पैसा, कहाँ गया कैलकुलेशन, ये आपका आंसर है।
अभी आपने इस तरह के कुछ सवालों को देखा, आप सवाल का मूल तरीका भी देखें, सवाल शॉर्ट में कैसे बनता है वो भी देखें, और वही सवाल आपके सामने है और हम चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब आप खुद ही दें और आंसर कमेंट बॉक्स में दें।